राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनर्जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। ये रिक्वेस्ट हमें प्रियंका गोयल जी ने की थी कि हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बिब सूट सिखाएं। हमने 2-3 नंबर के लिए पहले सिखाया है अपने चैनल पे, तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बिब सूट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है अपर वियर के लिए। ये मैं 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाने जा रही हूँ। अपर वियर का फैब्रिक 9x6 इंचेस है, ये देख लीजिए 9 है। 9 इंचेस को डबल फोल्ड कर दिया तो ये 4.5 इंच हो गया। इसको अब हमने इस साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स रखनी है। कुछ इस तरह से हम 1 इंच की स्लीव्स रख लेंगे। ये हमने शोल्डर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंचेस है। तो इसको हम कुछ इस तरह से शर्ट्स जैसे हम काटते हैं वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए, इसे कुछ इस तरह से हम कट करेंगे। यहाँ पे हम स्मॉल सा नेक कट करेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने कटिंग दे दी है। ये स्लीव्स हो गई। यहाँ पे हमने नेक कट करनी है कुछ इस तरह से। नेक कट करने के बाद हमने एक साइड से बैक साइड छोड़ देनी है। आप चाहो तो बैक साइड पे ये कट दे सकते हो या तो फ्रंट साइड पे। एक साइड पे हमें कट देना है मिड में कुछ इस तरह से। तो ये हमारी शर्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लीव्स को हेम करना है कुछ इस तरह से। आप चाहो लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हो बजाय हेमिंग के, कोई ब्रीक सी लेस ले लीजिए। ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लेनी क्योंकि ये समर के लिए बना रहे हैं हम, और ये कॉटन का फैब्रिक है। इसी तरह से यहाँ से हेमिंग कर लीजिए और यहाँ से पूरा हेम कर लीजिए। देख लीजिए, आपको हेमिंग स्लीव्स की करनी है और इसकी करनी है। ये जो नेक वाला पोर्शन हमने, नेक और एक साइड से हमने जो कटिंग दी है, यहाँ से हेमिंग करनी है। ये हमने स्लीव्स को और फ्रंट पे हेमिंग दे दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेलक्रो टेप ऐड करनी है। स्मॉल सा पीस वेलक्रो टेप का कुछ इस तरह से कट करना है यहाँ पे और यहाँ पे, जिससे ये इस तरह से क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे हमने उल्टा करके फिटिंग स्टिच देना है। ये हमने फिटिंग स्टिच दे दिया है दोनों साइड्स पे। अब हमने ये जो नीचे की रो एजेस है इनको हेम करना है कुछ इस तरह से। हम वेलक्रो टेप को खोल लेंगे इस तरह से, ये हेमिंग कर देनी है। तो ये शर्ट हमारी जो है बनके रेडी हो जाएगी। तो ये शर्ट बनके रेडी है। आप इसे फ्रंट साइड पे भी रख सकते हो या ये साइड भी आप फ्रंट में रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब बारी आती है निक्कर की, जिसके लिए हमने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक ये लिया है हमने। ये भी कॉटन का ही फैब्रिक है क्योंकि समर सीज़न है तो आपको कॉटन का ही फैब्रिक लेना है। इसको जो हमने कट किया है ये 9x7 इंचेस का है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए ये 9x7 इंचेस का है। तो 9 इंच वाली साइड को फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने जो बैक की साइड है 5 इंचेस रखना है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से निशान लगाना है इसके मिड में, यहाँ पे 2 इंच। ये हम बिब बनाएंगे इसलिए 2 इंच पे, ये देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क किया, उसके बाद यहाँ से 2 इंच पे मार्क किया। मार्क करने के बाद इस तरह से बिब की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये फ्रंट में हमारी कुछ इस तरह से बिब आ जाएगी और बैक में इलास्टिक ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। हमने किस तरह से कट करना है इसको मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह से हमने ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया कपड़ा बैक से, तो ये हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली। ये जो इस कटिंग में से पीस निकले हैं इन्हीं को हमने इस तरह से रखना है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से एक पीस यहाँ रखा,
और एक पीस यहाँ रखा। इसको हम यहाँ से यहाँ स्टिच करके बैक की तरफ ले जाएंगे। इन दोनों पीसेस को भी मिड से जोड़ देंगे। आप चाहो तो इस साइज़ का एक पीस और कट कर सकते हो फैब्रिक में से, उसे यहाँ पे लगा के इसको कुछ इस तरह से ले जाएंगे। तो ये भी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच दे दिया है। अब इसको कुछ इस तरह से हम सीधा टर्न आउट कर देंगे। ये कुछ इस तरह का बनके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला स्टिच देना है और यहाँ पे हेमिंग करके उसमें हम इलास्टिक ऐड करेंगे। पहले हम ये वाला स्टिच देंगे, फिर यहाँ से हेमिंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बैक में जाएगा, इसमें हमने इलास्टिक ऐड करना है। तो ये हमने इलास्टिक ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, जितना इलास्टिक हमें कमर के लिए चाहिए उतना रख लेना है। हमें याद रखना है हमें सिर्फ बैक की कमर के लिए चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से हम रख लेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है वो कट कर देंगे और यहाँ पे स्टिच दे देंगे ताकि जो ये इलास्टिक निकले नहीं। टाई अप नहीं करेंगे, क्योंकि टाई अप तो तब करते जब हमारी फ्रंट में भी इलास्टिक होता है, ये सिर्फ बैक में है। आप चाहो तो इसे फ्रंट में भी कुछ इस तरह से टाई अप फिर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक ऐड कर दिया। अब इसको हम इस तरह से उल्टा ही रखेंगे और यहाँ पे वी स्टिच देंगे जिससे ये निक्कर की शेप आ जाएगी। और यहाँ पे डोरीज ऐड करेंगे। डोरी हम ब्लू कलर की भी ऐड कर सकते हैं, सेम कलर की भी ऐड कर सकते हैं, या कोई ब्रीक जो कॉटन लेस होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वी स्टिच दे दिया और साथ साथ यहाँ पर डोरीज अटैच कर दी। वी स्टिच देने के बाद हम वी स्टिच के जो अंदर वाली साइड फैब्रिक होता है वो भी कट कर दिया रॉन्ग साइड पर। तो ये आपको मैं कंप्लीट मेजरमेंट बता देती हूँ इस ड्रेस की, क्या बन के आई है। इसकी जो लेंथ है विद बिप 5 इंचेस रेडी हो गई है। यहाँ से जो है ये 1.7 इंचेस है, यहाँ से ये साइज़ है 3 इंचेस का। तो ये जो 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रेडी हुई है, तो ये कुछ इस तरह से आएगी, ये कुछ इस तरह से लगेगा पहनाने के बाद। अब हमने इसे फाइनली बटन ये जो यहाँ पे दिए होते हैं उसके लिए मैंने ये स्मॉल मेरे पास स्टोन पड़े थे वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करने हैं जिससे यहाँ पे बटन की लुक ऐड हो जाएगी। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें आप कोई भी बिंदी वगैरह भी ऐड कर सकते हो जिससे बटन की लुक आ जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के बटन लग गए हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर के हैं इसीलिए ज़्यादा कैमरा जो है इन्हें कैच नहीं कर पा रहा। ये देखिए, तो ये है इसका फाइनल लुक। आपको ये कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये डोरीज यहाँ पे ऐड करनी है और यही डोरीज बैक की साइड पे अटैच हो जाएंगी जाके। तो ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।